फाइनली 2.0 के टीजर को रिलीज कर दिया गया है। इस टीजर को टोटल 3 भाषाओं में रिलीज किया गया है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। बाकी के 2 टीजर लाइका प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किए गए हैं और हिंदी टीजर धर्मा प्रोडक्शन के। वेल, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो हमें इस टीजर में एक बार फिर रजनीकांत नजर आए उनके 2 अलग रूप में, एक चिट्टी और दूसरा डॉक्टर वशीकरण। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन नजर नहीं आने वाली है, उनकी जगह एमी जैक्सन को लिया गया है। लेकिन अब तक एमी जैक्सन के रोल को कंफर्म नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि वो इस फिल्म में रोबोट हो सकती हैं। और इन सभी के अलावा जिस पर नजर टिकी हुई है वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का लुक इस फिल्म में काफी अलग लिया गया है। कहीं से रूमर्स आई थी कि अक्षय कुमार का रोल इस फिल्म में विलन का हो सकता है, और फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि अक्षय कुमार इस फिल्म में एलियन है। लेकिन एलियन वाला टाइटल यहाँ ज्यादा सूट करता है, क्योंकि हमने इसके पोस्टर पर ये लिखा हुआ देखा कि दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है, तो इससे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि अक्षय कुमार इस फिल्म में एलियन हो सकते हैं। और इन सभी के अलावा हमें 2 और कैरेक्टर्स नजर आए, एक थे आदिल हुसैन और दूसरे सुधांशु पांडे। और हमें इस टीजर में ये भी पता चला कि चिट्टी को वापस क्यों बुलाया गया है, क्योंकि अब चिट्टी से भी बड़ी मुसीबत इस दुनिया पर आ गई है, जो सभी के सेलफोन्स छीनती है और साथ ही साथ सेलफोन्स कोई भी रूप ले लेते हैं। तो सच में फिल्म का ये छोटा सा टीजर बहुत ही लाजवाब है और काफी सारे VFX से भरा हुआ है। जैसी बातें इस फिल्म के बजट को लेकर कही जा रही थी, इसके छोटे से टीजर को देखकर हम वो चीज साफ देख सकते हैं। और अब वेट हो रहा है तो सिर्फ फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने का, जिसके बाद हमें काफी सारी डिटेल्स मिलेंगी और हर एक कैरेक्टर का रोल भी स्पेसिफाई हो जाएगा। बता दें कि ये फिल्म 29 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी और हम सबको इसका बेसब्री से इंतजार है। वेल, आपको ये टीजर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंटरटेनमेंट डेस्क, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।